दोस्तों बिना किसी टीजर ट्रेलर और सॉन्ग के ना आने के बाद भी जवान मूवी का इतना ज्यादा हाइप है कि आईएमडीबी पर नंबर 1 पे रैंक कर रही है। और दोस्तों जवान मूवी से कुछ क्लिप्स और पिक्चर्स भी लीक हुई थी, जिसे देखने के बाद एसआरके के फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं जवान मूवी को लेकर। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल के आ रही है कि एसआरके की जवान मूवी एक रीमेक है, और वो भी एक फिल्म की नहीं बल्कि दो दो फिल्मों की, तो दोस्तों इस बात में कितना सच है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड हंगामा के एक आर्टिकल ने बताया कि एसआरके की अपकमिंग मूवी जवान एक ओरिजिनल फिल्म नहीं बल्कि एक रीमेक है। 1985 में आई कमल हसन की औरू कैदियन डायरी की, और इसका हिंदी ऑफिशियल रीमेक किया गया था अमिताभ बच्चन के साथ आखिरी रास्ता मूवी में, जिसे एसआरके की जवान मूवी को इंस्पायर करके बनाया जा रहा है। इन दोनों मूवीज में भी दोस्तों लीड रोल का डबल रोल था और स्टोरी एक रिवेंज के ऊपर थी, जैसे कि जवान मूवी में बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मुझे लगता है कि एसआरके रीमेक बिल्कुल नहीं करेंगे, और एटलीस्ट साउथ के जो मशहूर डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अभी तक कोई रीमेक नहीं बनाई है, और ना ही एसआरके साउथ की कोई रीमेक बनाते। वैसे भी दोस्तों जवान मूवी बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए एसआरके ना ही किसी रीमेक की स्टोरी को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों जो भी सच है वो हमें जल्दी मालूम हो जाएगा जब मूवी रिलीज होगी। वैसे दोस्तों आपको बता दूं जवान मूवी 2 जून को रिलीज होगी, और इस फिल्म में एसआरके के साथ नयनतारा विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट एटली कुमार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि जवान रीमेक है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही एसआरके की मूवी से रिलेटेड हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।